सबसे पहले यही कहूंगी कि आई हुई सात संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए, मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करना, मेरी आपकी बड़ियाई करते हुए मुझसे कोई गलती, कोई भूल, कोई शब्द अपशब्द कुछ ऐसा निकल जाए तो मुझे माफ कर देना। अपनी मैं को यहाँ यही यही इसी पल छोड़ना चाहती हूँ, और हमेशा के लिए, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अगर मैं कहीं भी मेरे मुंह से गुरु मैं शब्द बोल देना तो कहना मैं गुरु के लिए ही बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं। शुक्राना गुरु। सबसे पहले कहूंगी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो माहेश्वरा, गुरु साक्षात पाद ब्रह्म, तस्मे श्री गुरु देवाय नमः। मेरी औकात नहीं तृप्ता आंटी और आप सबके सामने मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। वो बहुत भागा वाले होंगे ने, वो रूहें ही बहुत किस्मत वाली होती हैं जिन्हें गुरु मिल जाए। गुरु मिला, परमात्मा मिल गया। जे तू ना फड़दा बा असर रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असी रुल जाना सी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत चमत्कारी ही कहूंगी मैं। मुझे 8 साल हो गए गुरु जी के साथ जुड़े हुए। वो दिन मेरे बेटे के लिए 10th क्लास का बोर्ड का पेपर देने जा रहा था, वो उसके मामा का फोन आया। हम तीनों गाड़ी में ही थे, मेरे पास एक ही बेटा, मेरा पति। गुरुजी ने बख्शी औलाद मैनू 32 साल दी उम्र दे, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड, हम तीनों उसके एग्जाम के लिए जा रहे थे। उसके मामा का फोन आया, शिवा से बोला मेरे बेटे का नाम। उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई है, उसका नाम सूक्ष्म मानिकटाला। तो उन्होंने कहा सारी तैयारी है? कहने लगा मामा डर लग रहा है। तो कहते अच्छा क्या हुआ है? कह रहे पता नहीं मामा। तो कहते हैं तेरे को ना एक मंत्र देता हूं, ठहर। और उन्होंने फोन काट दिया। कुछ मिनट बाद ही दोबारा फोन आया और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ना बेटा तो कहना है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कभी मिली नहीं थी गुरु जी से, बस गाड़ियों के पीछे लिखा कभी पढ़ा करती थी जय गुरु जी जय गुरु जी। जाना नहीं था कौन है, कहाँ है, कैसे है, आप करना गुरु जी। हम सब हंस पड़े और बेटे ने अपने मोबाइल में नाम पता है क्या करा, मेरे मतलब ब्रदर का नाम, श्री श्री सूक्ष्म जी महाराज। कह रहे मामा जी आपने मेरे को मंत्र दिया, पता नहीं था ये गुरु जी का मंत्र। एग्जाम देने गया, जब प्रॉब्लम आई ना उसने पता नहीं क्या सोचकर इसी मंत्र को रिपीट किया, मैं नहीं जानती। एग्जाम देते देते जब वो मदद देने के बाद बाहर आया ना, कहता मामा, मैंने कहा हाँ। कहते जब मैं एग्जाम लिख रहा था ना मामा, तो बहुत तेज फूलों की खुशबू आई मामा, वो जब बिल्कुल बिल्कुल ऐसी इत्र की खुशबू मामा, जैसे हम ख्वाजा जी के यहाँ जाते हैं ना वहां आती है। मुझे नहीं मालूम था वो गुरु जी थे, ख्वाजा जी थे, मेरे बाबा जी थे, मैं नहीं जानती। इसने वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करा कि इसको खुशबू आई है, पर तब हम खुशबू का भी मतलब नहीं जानते थे कि वो
मतलब प्रेजेंस है गॉड की, मेरे गुरु दी ते मेरे परमात्मा दी। इसने एग्जाम दिए, बहुत अच्छा मार्क्स आए, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसे ही ब्रदर ने कहा कि चल, ना 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 गलती होगी, सॉरी, मेरे को इसकी कजन है एक शिल्पी, वो ग्रोवर, शिल्पी ग्रोवर है वो, उन्होंने कहा आपको लेकर चलेंगे। वो अपने हस्बैंड के साथ आई, हम दोनों माँ बेटे ही बाहर उनके तक गए और उनकी गाड़ी के साथ, मतलब सुबह सुबह 7 बजे से यहाँ से निकले और 7:45 के करीब गुरु जी के मंदिर के बाहर। 8 बजे, मतलब पहली 50 संगत में ही थे, और 8 बजे के करीब दरवाजा खुला गुरु जी का मंदिर का, वो चंकी सी, वो होते है ना हक्के बक्के मुंह खुला हुआ, हम दोनों वैसे ही थे उन्होंने हमें चाय प्रसाद कहा, हमने कभी चाय प्रसाद पिया ही नहीं, हमारे घर में पत्ती नहीं होती, अभी भी जब संगत आती है तभी हम चाय प्रसाद सिर्फ लंगर प्रसाद में लेते। हम दोनों माँ बेटे ने चाय प्रसाद नहीं ली, माफी गुरु जी महाराज, पर मैं सच्ची बोलूंगी, समोसा प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया, पर चाय प्रसाद नहीं लिया। वो मंडे था, हम वापिस आ गए, पर पहुंचे कैसे थे, और अगले मंडे, वो हर मंडे जाया करते थे, और सच बताऊं हम घर वालों से छुप कर जाते थे, क्योंकि वो दोनों ना मेरी जेठानी की भांजी थी और उनके हस्बैंड, तो वो हम सब एक जॉइंट फैमिली में थे, हम किसी को नहीं बताते थे हम किसके साथ जा रहे हैं, और हम हर मंडे उनके साथ जाते थे, 9 बजे तक वापिस आ जाते थे, पर अगले मंडे हमने चाय प्रसाद ली, तब तक थोड़ी समझ आ गई थी। और ऐसा कई बार जाते आते रहे, जुड़ती रही मैं धीरे धीरे धीरे। फिर कभी ब्रदर के साथ लंगर प्रसाद मिला, कभी कुछ ही तरह, कभी किसी तरह से जाती रही। फिर बहुत लंबा गैप आ गया, हम नहीं जा सके। और एक चीज मैं और बताऊंगी, मेरे लिए हर दीन, ईमान, मजहब, मेरे लिए इंसानियत का इंसान मेरे नहीं, गुरु जी ने मेरे को, मैं बहुत अहमियत देती, इसलिए मैं हर महीने ख्वाजा जी के पास भी जाया करती थी अजमेर। ये सिर्फ कोविड 2 साल से आया, इस वजह से नहीं जा रही, नहीं तो मैं हर महीने ख्वाजा जी के यहाँ जाती। बेन बेन ना समझिएगा कि इधर या उधर किस तरह से, पर मैं गुरु जी से जुड़ी, थोड़ा आगे बढ़ी। लोग रंग बदलते, मैंने बहुत देखे, मैंने अपने पराए दगानों को जो नजदीक आया उसके लोगों को रंग बदलते देखा, पर मेरे गुरु ने ना मेरा जीवन ही बदल दिया, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर, मुझे सब कुछ बदल दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये आपकी रहमत थी। हमारी कोई औकात नहीं होती कि हम कहें कि हम गुरु को धारण करें, हम गुरु को ढूंढे। मैं सच में संगत जी आप सबसे कहती, जैसे हम कोई आपसे कहती हूँ कि पानी भरना होता है ना नहाने के लिए, तो हम नल का चला देते हैं, और पीने के लिए भरना होता है तो अच्छी तरह बाल्टी साफ करते हैं, पर किसी बर्तन में जब हमने दूध रखना होता है ना, या हमने गुरु जी के लिए अमृत बनाना होता है, हम 10 बार उसे साफ करते हैं। इसी तरह गुरु हमें साफ करता है, पहले गुरु हमें पकड़, गुरु हमें थामता है, हमारी कोई औकात नहीं, हम गुरु को ढूंढे, हम गुरु को पहचाने। नहीं, मेरा यही कहना है कि गुरु ने मेरे को पकड़ा, मैंने नहीं गुरु को पकड़ा, और गुरु जी सिर्फ यही अरदास है, मेरी माँ पकड़े रखना। आपसे कह रही हूँ संगत जी, हम सब यही कहते हैं कि हमने गुरु धारण करा है, पर जब हम गुरु को धारण करते हैं ना, तो गुरु के वचनों को मानना होता है,
गुरु के वचन है कि मैं हाँ मैं रहांगा और मैं ही मैं पहले से मैं हूं ना और मैं बाद च भी रहांगी, मेरे अलावा मेरे गद्दी ते कोई नहीं आएगा। हम किसी को नहीं देख सकते गुरु जी के अलावा, किसी और को हमें भरोसा दात बख्शो गुरु जी, हमेशा मेहरबान। गुरु के वचनों को मानो, हम ये दिखावा बदलते। संगत जी जब कोविड था ना मेरे घर में, मैं सुबह शाम सत्संग कर रही थी, मेरे पास फाइनेंशियली क्राइसिस थी, मैं सिर्फ 100 रुपए की चुन्नी चढ़ाती थी गुरु जी को, कभी लाल कभी पीली, फिर लाल फिर पीली। मैंने बेस आप लोगों से भी कहती, मेरे गुरु ये सतगुरु है, ये और कुछ नहीं, ये हम सबके भाव देखता है, इसलिए ना बहुत ज्यादा ताम झाम सब कुछ नहीं, जो हमारे पास है हमें उसी में, हमें किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। ये गुरु जी के वचन है कि किसी की रीस ना करो, तुसी अपने भाव दे नाल एक दिया जलाकर मेरे स्वरूप नाल बैठ के गल्ला करोगे ना, मैं तुहाडे कोल हां, मैं तुहाडी सुना। God has to give you each and everything. Do you have to call him? Do you have to time to prayer? हमारे पास ना अरदास करने का भी वक्त नहीं होता। So संगत जी आप सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब गुरु के वचनों को मानो सच्चे दिल से, उनके वचनों को मानोगे ना तो गुरु अपने आप आपको आगे लेकर जाएगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, मेरे से कोई गलती हो संगत जी और गुरु महाराज मुझे माफ कर दो। मैं धीरे धीरे आगे चली, बच्चे ने 12th करी, बहुत अच्छे एग्जाम आए, उतराइयां चढ़ाइयां हर जीव ते आंदियां ने, और मैंने कुरान भी पढ़ी है गुरु जी कि मेरे से शिव पुराण भी पढ़ती हूँ और मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को भी पढ़ कोशिश करती इन वचनों पर चलने की, मेरी औकात नहीं। मेरे बेबी स्टेप्स हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं जो शायद मुझे कहीं शायद शायद इन्हें पसंद आए और मैं किसी किनारे लग गया। 12वीं में शिविर का बहुत अच्छा एग्जाम रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश थी, पर वो खुशी के पल थोड़े से ही थे। मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, इसे बड़ी कहूं या छोटी मैं नहीं जानती, पर वो फाइनेंशियली क्राइसिस थी। मैं झेल जाती पर वो लॉस जोन सा था ना, बहुत बड़ा था, जिससे मैं अभी तक नहीं उबर पाई। गुरु जी की मेहर, गुरु जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी उन मुश्किलों का भी, उन हालात का भी, जिसके कारण मैं आपसे जुड़ी रही और आपने भी मेरी बाँह नहीं छोड़ी। मेरी बुरी बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत, मैं डिप्रेशन में थी और मेरी पूरी फैमिली वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रही थी, मैं भी सारे कपड़े मैंने समेटे, सब कपड़ा मैंने रखा बैग में और मैंने शिवा से कहा, शिवा हम एक ईसीजी कराएंगे, उसके बस बस मार्केट से ना तेरे लिए मतलब कि शूज और दो चार चीजें लेनी है, माता रानी की चुन्नी और ये वो, तो हम सब की तैयारी है। मेरी टिकट हुई हुई थी, हमने शाम को निकलना था। जब मैं ईसीजी कराने गई तो पता लगा कि उसने करके दिया ईसीजी और कहा कि आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो मैं अपने फिजिशियन के पास चली गई। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, मशीन में ही होगी, आप दोबारा से करा करो। उन्होंने नर्सिंग होम भेज दिया, वहां गई तो वहां से हम वापिस आए, मैं और मेरा बेटा थे। तो डॉक्टर ने देख कर यही कहा, इमीडिएटली आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो गई।
दो दिन रही इमरजेंसी में, उनके हिसाब से यही था कि साइलेंट अटैक तो नहीं आए। वहां से वापिस आई, गुरु जी की मेहर रही, कुछ मेजर ज्यादा नहीं था, पर मैं अपने पांव से एक कदम भी नहीं चल पा रही। मैं दवाइयों से बैठी सुबह शाम रात, सुबह शाम रात, एक डॉक्टर से दो डॉक्टर, तीसरा चौथा, महीनों निकल गए। मेरे अंदर से मेरी विल पावर खत्म हो गई। लग रहा था फाइनेंशियली क्राइसिस वैसी है, हाथ में पैसे नहीं और नुकसान हो रहा है। मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर ने मेरा बहुत साथ दिया, कभी, और मेरा बेटा, इन सब तीनों ने मुझे अकेले एक पल नहीं छोड़ा। और लगातार हर मंडे फ्राइडे सैटरडे गुरुजी के पास ले जाते, गुरुजी की मेहर रही। मैं धीरे 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 अपने पांव पर अपनी हिम्मत आई। उसी दौरान मुझे एक दिन टुकटुकी पर जा रही थी मैं और सिस्टर, मुझे वीना आंटी मिली। शुक्राना गुरुजी महाराज, संगत जी, गुरुजी की जर्नी के साथ साथ ना हम सब यही कहते हैं, गुरुजी ना मंथन कर रहे हैं, समुन्द्र मंथन, और बहुत सारे मोती और नगीने निकाल कर एक माला बना रहे हैं मोतियों की। और अपनी सारी संगत, अपने सारे परिवार को इकट्ठा कर रही। संगत जी, जब शिव जी की आंख से आंसू निकले थे ना और वो जमीन पर गिरे, तो वो जमीन पर रुद्राक्ष बने थे, कोई एक मुखी, कोई दो मुखी, कोई चार मुखी, कोई बारह मुखी भी। गुरु जी ने मेरी झोली में भी ना बहुत सारे रुद्राक्ष, तृप्ता आंटी, रेखा आंटी, अश्विनी भैया, शीतल आंटी, और सबसे मेरी प्यारी मीना आंटी, गुरप्रीत आंटी, ये रुद्राक्ष है, कोई एक मुखी, कोई दो मुखी, सुरेश अंकल, इनसे भी बात करके मुझे यही लगा, जो इतनी अच्छी, इतनी लगन से पूरी संगत को ढूंढ ढूंढ कर उनके एक्सपीरियंस इन माला के मोतियों को इकट्ठा कर रही है ना। शुक्राना जी गुरु जी महाराज, मेरी जिंदगी में इन लोगों को, इन मोतियों को, इन रुद्राक्ष को मेरी गोदी में डालने के लिए। उस दिन मैं टुकटुकी पर जा रही थी, मीना आंटी अपने हस्बैंड के साथ, मीना आंटी अकेली थी, मैं, मेरे पति और मेरे बहनोई थी, और मेरे चेहरे पर ही लिखा था दुख और वेदना। उन्होंने कहा अमृत वेला करती हो, मैंने कहा हाँ, पर मैं बहुत कम करती थी। तो उन्होंने कहा जिन्हें डिप्रेशन होता है ना, अगर आप अमृत वेला करोगे सब कुछ मिल जाएगा। संगत जी, उस दिन हम दोनों का ना बस मोबाइल का आदान प्रदान हुआ और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। वो शायद गुरु जी की मेहर थी मेरे ऊपर, बहुत मेहर करी गुरु जी ने, कई बार मेरी फैमिली को ऐसी ऐसी सिचुएशन से बचाया ना, इतना ब्लेस किया, मैं शुक्राना करती हूँ हर पल सा। गुरु जी मेहर रखना अपने, गुरु नदर करे ना तो सब। उस छोटी सी मुलाकात ने, वीना आंटी ने मेरे अंदर, और फिर हम दोनों ने फोन एक दूसरे को किए, उन्होंने मुझे वाणी से इस कदर जोड़ा। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को, सुखमणि साहब, जपसी साहब, आनंद साहब, चौपाए साहब, इन सबको नहीं जानती, मैं वाणी को नहीं जानती, मैं बस सुनती थी और ऊपर ऊपर से निकल जाती। और आज भी मैं कहूं कि मेरे अंदर है नहीं, मैं सिर्फ वाणी को हम टच कर रहे हैं, वाणी में बहुत गहराई है, समुन्द्र सी गहराई, अभी हमने इसको बहुत जानना और पहचान।
शायद 6 महीने या उससे भी ज्यादा। मीना आंटी रोज सुबह मुझे 4 बजे कॉल करती थी, उठ अमृत वेला हो गया, कभी 3:30 बजे उठ जा अमृत वेला, और मैं उठ जाती। वो मुझे पाठ बताती थी, वाहिगुरु सिमरन करना है, आप छोटा सा ही करोगी ना, बस इतना ही करना है, धीरे 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 धीरे। श्रेयस गोज टू ऑलवेज ऑलवेज गुरु जी महाराज और वीणा आंटी, जिन्होंने मुझे वाणी से जोड़ा। संगत जी आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ, वाणी ही तो थी, वाणी ने मेरे को पता है क्या करा, और गुरु जी महाराज जी ने, मैं उड़ने लगी। वाणी ने मुझे स्ट्रेंथ दी, वाणी ने जो फाइनेंशियली क्राइसिस आई थी, जो मेरे को हेल्थ वाइज वीक जा रही थी, जो मुझे हर सोशल सर्कल से काटती जा रही थी, जो मुझे अपने पाँव पर ही नहीं खड़े रहने देना चाह रही थी, जो मुझे मतलब मैं मेडिसिन के नशे में सो ही रहती थी, तो उस सब से उसने निकाला मुझे। उस वाणी से मुझे इतनी स्ट्रेंथ आई, वाणी मुझे इतनी अच्छी लगने लगी। वाहिगुरु सिमरन जब चलता है ना, मेरे अंतरात्मा खिलोती, और मुझे ना मेरी आंखें खुली, मैं मुस्कुराने लगी, मैं बच्चों से बात करती, मैं बाहर निकलने लगी, और फिर एक वक्त ऐसे आया कि मैं उड़ने लगी। मतलब मैं बिना किसी के सहारे ना, मंडे को भी गुरु जी के मंदिर, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी, संडे को भी, जब ब्रदर का फोन आई कहाँ है, मैं कहती गुरु जी के मंदिर, कहाँ है गुरु जी के मंदिर, मैं उड़ने लगी, मैं गुरु जी के पास, मैं सच में कह रही हूँ, मेरे पल लग गए। पर फिर ब्रेक आई, पता कैसे, मेरी सिस्टर के घर सत्संग था गुरु जी का, मैं वहां गई, पर मैं वक्त पर पहुंची, हस्बैंड के साथ था, हस्बैंड शॉपकीपर है, मन लगा बहुत, महसूस हुआ मैंने कोई सेवा भी नहीं ली थी, पर बहुत कुछ समझ आया। और उससे अगले मंथ मेरे भैया के घर, भाई के घर सत्संग हुआ, पापा के यहाँ, मैं फिर परेशान, मेरा मन, मैं जितना गुरुजी से जुड़ रही थी, और दिल यही कह रहा था कि मेरे घर सत्संग हो, मेरे घर सत्संग हो। जब भाई के घर सत्संग चल रहा था, तो मेरी सिस्टर पता क्या कह रही थी, अरे ऐसे नहीं लगाते दरबार, ये यहाँ नहीं, तुझे रंगोली बनानी नहीं आती, आ रही हूं अभी मैं ना, जरा कढ़ाई पनीर देखो, सब जगह वो छाई हुई, वो बहुत सत्संग करती, वो सेवा में भी बहुत जाती थी, वो बड़े सत्संग अटेंड करती, वो सत्संगों में सेवा करती, वो मेरे से बहुत आगे गुरुजी, बहुत बहुत, वो भी पवित्र सोल है और डिवाइन, गुरुजी की तरफ से जुड़ी हुई। वहां सत्संग हो रहा था और शुरू हुआ सत्संग, संगत आ गई, मैं खामोश बैठी थी, मेरे लिए कुछ नहीं था, मतलब जैसे होते ना, वो ही कहूंगी, हक्की बक्की मुंह खोली। हमने चाय प्रसाद का भोग छोटे भाई से लगवाया, और लंगर प्रसाद का भोग हमने बड़े भाई से लगवा, भाभी, बड़े भाई और भाभी से लगाया। जब वो लंगर प्रसाद लेकर आए ना, मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी खाओ, दीदी ने बनाया है, बहुत टेस्टी बनाती है। संगत जी 2 मिनट बीते, मेरी आंखों में नमी थी, और मैं उठ के बाहर आई, बाहर आई तो भतीजा ना कैंपा कोला खोल रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तेरे गुरुजी के लिए डाल दू, तो मैंने कहा अच्छा, उसने डाला और ट्रे में दी, कह रहा है बुआ आप लेकर जाओ अंदर, मैंने कहा क्यों, तू जाना, कह रहे नहीं ना आप लेकर जाओ, मैंने कहा नहीं नहीं तू जा, कहते नहीं आप लेकर जाओ, उसने मुझे कसम दी, मैं लेकर गई ना,
संगत जी मेरी वीकनेस है कैंपा कोला, मैं नहीं रह सकती इसके बिना, मुझे रोज चाहिए होती। तो मुझे ऐसे लगा जब मैंने कैंपा कोला रखी, गुरु जी कह रहे हैं ला दे, दिल छोटा है क्यों करनी है, उन्हें लंगर प्रसाद बनाया थे कोई गल नहीं, तेन कैंपा स्वाद लगती है ना, ला मैनू भी पिला। एक पल लगा मेरे गुरु को मेरे दिल की बात सुनते, शुक्राना गुरु जी महाराज, वो शायद एक पानी था या एक कैंपा थी, पर जो मेरी सुनवाई थी ना वो बहुत बड़ी। फाइनेंशियली क्राइसिस झेल रही थी, वो भी आ गया साथ में, नोटबंदी और सब चल रहा था, काफी नुकसान रहा उसका भी। फिर आगे बढ़ी तो मैंने कहा मेरे को घर में सत्संग कराना है, सत्संग कराना है। संगत जी एक चीज और बताऊंगी, मेरे पति करीब 25 साल से ना राधा स्वामी सत्संग दयाल आगरा वालों के सेवादारों में से बहुत कट्टर राधा स्वामी, उन्होंने मीट मछली प्याज लहसुन मतलब किसी चीज को हाथ नहीं लगाते, और वो भी बहुत अच्छी डिवाइन प्योर सोल है। सारा दिन मतलब कि वाणी और मतलब कि गुरु महाराज जी से ही जुड़े रहते हैं। अब मैं डर रही थी कि कैसे सत्संग कराऊं, घर में दो गुरु कैसे लेकर आऊं और सत्संग कैसे होगा। तो सिस्टर ब्रदर सब ने कहा हम सब हैं, हम सब सेवा करेंगे, मैं ये लाऊंगी, कुछ नहीं होगा, चल चल तू आगे बढ़। और सत्संग हमने डिसाइड किया 26th of January। अब मेरी जीत थी कि मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप मिले, बड़ा सा स्वरूप। हमने वहां नाम लिखवाया, स्वरूप नहीं आया। एक हफ्ता बीत गया, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते, नया साल शुरू हो गया और कैलेंडर। संगत जी में फ्राइडे थर्सडे रोज लाइन में लगने लग पड़ी, जब मंदिर खुला है मैं लाइन में। ब्रदर फोन करता कहाँ है, मैं वो पता करने आई हूँ ना, बड़ा स्वरूप मिल जाए। तो दीदी ने कहा मेरे यहाँ से ले ले गुरु जी का स्वरूप और सत्संग करती है, नहीं मुझे अपना चाहिए। 26 तारीख से पहले गुरु जी आए मेरे घर, बहुत परीक्षा ली उन्होंने, कई कई बार गई वहां से लौट लौट आई, यही स्वरूप मुझे गुरु जी का आश्रम से मिला और मैं ब्लेस हूं। कराना गुरु जी ना स्वरूप फ्रेम कराया, संगत आ गई। 25 तारीख की रात को ही मेरे सारे परिवार के लोग, हमने सत्संग करना है। आटा भी ना मतलब कि आ गया, सब चीज आ गई, गोभी कट गई, आटा भी गूंद कर रख दिया क्योंकि हमने 10 से 12 करना था। 2 बज रहे थे 25 तारीख की रात, यानी 26 तारीख की सुबह, रात 2 बजे सुबह ही कहेंगे। तो मेरे नीचे से जेठानी का बेटा आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोलने लगा चेची मेरे मामा जी के लड़के की डेथ हो गई। सत्संग कैंसल हो गया, हम सब वहीं चले गए। बहुत महसूस हुआ कि गुरु जी मेरे घर नहीं आना चाहिए, बहुत रोई। एक उसका भी दुख था, जवान मौत थी, और दूसरा ये कि सत्संग नहीं हो रहा। और फिर मैं तो उधर ही चली गई निगम बोध घाट, और दीदी को बोला गोभी आलू की सब्जी बना लियो, वो सब थोड़ी थोड़ी ले जाना, और जो आटा गूंदा हुआ है ना वो थोड़ा थोड़ा सबको दे देना। और ये सब वही कारपेट आए थे किराए पर, वो भी भिजवा दियो, सब कुछ वापिस हो गया, कारपेट का किराया भी दे दिया, कुर्सियां आई थी उसका भी दे दिया। गुरु जी नहीं आए, सत्संग नहीं हुआ, मन बहुत टूट लगा, गुरु जी नहीं जानते, नहीं प्यार करते। अब 13 दिन तो वेट करनी थी, उसके बाद दीदी वगैरह सबने कहा ये फिर डिप्रेशन में चली जाएगी,
तो हम ऐसे करते हैं कि जल्द से जल्द सत्संग कर। उन्होंने बस 13 दिन का इंतजार किया और फिर सबको ये बोला कि मुंह से निकला हुआ है, हमने सत्संग करना है। फिर मेरे घर में सत्संग हुआ, संगत आई, अच्छी रौनक हुई, बहुत अच्छी। उसके बाद मैं नहीं रुकी, जब मौका लगता सत्संग कर। फिर मेरा एक बार दिल छोटा हुआ, कहीं अमृत वर्षा, कहीं चंदन निकल रहा है, कहीं मोती निकल रही है, कहीं गुलाबों की वर्षा हो रही है, कहीं गुलाबों की खुशबू हो रही है। हम संसारिक है ना, तो लालच बढ़ता है। मैंने फिर कहा कि मेरे यहाँ तो अमृत वर्षा नहीं, मेरे से गुरुजी जुड़ते नहीं, मैं कनेक्ट नहीं हो पाती, ये कैसे होगा। फिर एक बार याद आया कि गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि मेरे स्वरूप नाल बैठ के गल्ला कर और मेरा 1-to-1 कनेक्शन है, नो मीडिएटर। गुरु जी के वचन याद है। और फिर लगा गुरु जी की सबसे बड़ी मेहर ये है कि मैं बाणी से जुड़ी और मैं बाणी जप रही हूँ। हमारी क्या औकात कि हम पढ़े, हम कौन होते हैं। जब गुरु वहां पढ़ता है तो हम परमात्मा की तरफ जुड़ते हैं। और ये गुरु जी की वडियाई थी कि गुरु जी ने मैनु थामा और इस राह च पाया और इतनी स्ट्रेंथ दी कि छोटी मोटी परेशानियों को मैं आसानी से झेल जाती थी। संगत जी, एक बड़ी परेशानी आ गई, गुरु जी की बड़ी रहमत रही। फर्स्ट कोविड आया, हम सब लॉकडाउन हो गए, पैसा नहीं था, हम लॉकडाउन थे, पर हमने टाइम निकाला, धीरे धीरे जो था बहुत कम, बहुत अच्छे तरीके से। 22 मार्च था, 24 मार्च को मैंने पूरा घर में पूरे इधर दरबार लगाया, सुबह 4 से 5 और शाम को 4 से 5 मैं सत्संग करने लगा। बीच बीच में लाइट चली जाती थी और डेली सुबह शाम मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था। टाइम निकलता गया, हम कोविड से बचे हुए। लॉकडाउन थोड़ा सा खुला, हस्बैंड बाहर गए, कोविड लेकर आ गए, हम सब बीमार, मतलब हम सबको बुखार था। 2 दिन बुखार आ, कहने लगे वायरल है वायरल है। फिर हम डॉक्टर से मेडिसिन लेने गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को वायरल था, मैं ठीक हो गई, बेटा भी ठीक हो गया और हस्बैंड के हमने सारे टेस्ट कराए पर कोविड नहीं निकला। मैक्स हॉस्पिटल भी गए, फिर हम इधर पास ही सुखमनी नर्सिंग होम है उस पे उनको एडमिट कराया। हमने कहा हमारे पास रिपोर्ट है कि कोविड नेगेटिव है हस्बैंड का, पर उन्हें पॉजिटिव था, हमें नहीं पता था। फिर भी मैंने बेटे से और घर में सबसे बोल कर गई कि हम लोग, मैं इन्हें ठीक करके लाऊंगी। मैं इनके साथ नर्सिंग होम में सुबह शाम एक ही कमरे में रही, उनकी बहुत बुरी हालत थी, अरदास करती रही। 7 दिन बाद इन्हें लेकर आई, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे कोविड टेस्ट कराने के। फिर मेरे भांजे ने गुरु जी के आगे अरदास करी, उसने कहा मासी एक बात कहता हूँ, आप दोनों मत टेस्ट कराना, सिर्फ मास्टर जी का कराना, आप सोचना आप पॉजिटिव हो और ये जो पैसा है ना इसे डाइट और मेडिसिन पर लगा। हमने कहा ये ठीक है, हमें कोविड था भी नहीं, हमें बुखार भी नहीं, ना ही उसके सिम्टम। फिर मैंने वीना आंटी से पूछा, वीना आंटी दरबार बढ़ा दूं, सैनिटाइज करने आएंगे सारा घर। तो वीना आंटी कहती नहीं, सत्संग करती है ना ऐसे ही सोई है, ऐसे ही पड़ी है,
और मैं गुरु जी के चरणों में यही सोती थी। कोविड मेरे घर में था, मैं सब काम अपने हस्बैंड का अपने हाथ से करती थी, और कोविड ना मेरे बेटे को ना मुझे छू कर भी नहीं गया। और कोविड जहां हॉस्पिटल के में एडमिट ही नहीं किया जा रहा था कोविड के पेशेंट को, वहां नेगेटिव रिपोर्ट थी उनके हाथ में, और पूरा कोविड का ट्रीटमेंट होकर हस्बैंड घर आ गए। और जब वो घर से मतलब कि रेस्ट करने के बाद ठीक होकर निकलने लगे, तो बेटे ने कहा, पापा देखो आप शॉप पर जाओगे, किसी को ऐसे कुछ हो, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, आप एक बार टेस्ट करा लो, हमें मालूम है आपको कुछ नहीं है। संगत जी, तब मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हो गए। हम 1.5 महीने के लिए फिर लॉकडाउन हो गए घर के बाहर। एक बड़ा सा पर्चा लग गया कोविड पॉजिटिव, हमारे घर में कोई नहीं आता। एक सब्जी, एक कटोरी, सब्जी वाले ने सब्जी, दूध वाले ने दूध, सब कुछ देना बंद कर दिया। मेरे ब्रदर ने कहा मैं आऊं, मैंने कहा नहीं वही, हम ठीक है, हम ठीक है। हम एक आम लेते थे, उसके 3 टुकड़े खाते थे तीनों जने बाद। गुरु जी की बहुत मेहर थी, अच्छी तरह टाइम निकला। सामने आंटी थी, थोड़ा उनका हेल्प, एक नारियल वाले ने बहुत हेल्प करी, शुक्राना गुरु जी महाराज उसको भेजने के लिए भी। वो दूसरे तीसरे दिन चुपचाप हमारे यहाँ कुछ सामान दे जाता था, कभी दूध कभी कुछ। शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, हम सब ठीक होकर बाहर निकल। फिर शॉप पर जाना शुरू किया, सब ठीक रहा, गुरु जी की मेहर रही, बहुत मेहर कि ज्यादा नुकसान हम में से तीनों में से किसी को नहीं हुआ, और हस्बैंड ही सिर्फ कोविड पॉजिटिव। गुरु जी, संगत जी, थोड़े दिनों बाद ना सब ठीक चला, थोड़ा थोड़ा। फिर आ गया कोविड पॉजिटिव की लहर सेकंड। मेरी जान वीना आंटी कोविड पॉजिटिव हो गई। उनके हस्बैंड भी पता लगा, बहुत तड़पी। मैं उसे बहुत प्यार करती, मैं तृप्ता आंटी, रेखा आंटी को, ये ऐसी रूहें हैं आशा जुतियां, जिन्हें खुदा ने ना आराम से तसल्ली से बिठा बनाया है, और गुरु जी महाराज जी ने इन्हें इतनी प्यारी रूहें बनाया। ये जब बात करती है ना, तो ऐसे लगता है इनके भी ये गुरु जी का मैसेज लेकर आई है हमारे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज जी का इन रूहों से मिलाने के लिए। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे छू कर निकल जाते हैं, जैसे तारे होते हैं ना, पास आते हैं और फिर दूर हो जाते हैं, लगता है ना ऐसे नजदीक आए दूर हो। और कुछ तारे ऐसे होते हैं जो दूसरे को गर्मी दे जाते हैं, यानी एक तारा, ये सारे तारे जो है ना सूरज ही हैं, तो एक दूसरे को चमक और गर्मी दे। तृप्ता आंटी, रेखा आंटी, अश्विनी भैया, शीतल आंटी, गुरुप्रीत आंटी, ये सब मेरी जिंदगी में ना ऐसे चमचमाते हुए, सप्तऋषि कह दूं इन्हें, ये चमकते हुए तारे जो मुझे ऐसी रोशनी दे जाते हैं ना, जो इतनी स्ट्रेंथ दे जाते हैं, ये गुरु जी की मेहर है इनकी दी हुई, जो मुझे ना जिंदगी की हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार करते थे। मैं बहुत तड़प रही थी कि मतलब वीना आंटी, शीतल आंटी के घर सत्संग था, कोई नहीं जाता था, एक मैं और एक आनंद सिंह अंकल जाते थे। उस दिन एक संगत और आ गई, राधिका। मैं यहाँ सत्संग करके गई थी, फिर मेरा उधर सत्संग था, यहाँ मैं ठीक थी, वहां मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था, मैं रोई जा रही। गुरु जी ने दर्शन दिए, मेरी एक ही पुकार थी, मेरी एक ही अरदास थी, वीना आंटी ठीक हो जाए।
और उनके हस्बैंड भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वीना आंटी की जान वीना आंटी के अंकल है, तो मुझे दोनों चाहिए। मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, पता है कैसे? उन्होंने व्हाइट चोला पहन रखा था, वो हम उन्हें कहते हैं ना एंजल, जिनके पर होते हैं, है ना, वो ऐसे घूमकर मेरे पास आए, बोला किन्नू 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 ठीक करना है, किदे वास्ते बोल, दोनों ही चो एक की कौन चाहिए, दोनों ही चो एक कौन चाहिए। मैं बहुत रू, मैं नहीं करनी, दोनों 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 दोनों। संगत जी में सोफे पर बैठी थी, मैं नीचे नहीं बैठी थी, हम दूर दूर बैठते थे, एक आधा नीचे। अश्विनी भैया देख रहे थे, सब देख रहे थे, मैंने देखा, मुझे दिखाई दे रहे थे ऐसे, गुरु जी ऐसे पूछ रहे थे किन्नू, मैंने कहा बोल दोनों ही चो किन्नू, बोल दोनों ही चो, मैंने कहा नहीं दोनों दोनों दोनों, मुझे दोनों चाहिए। और फिर वो गायब हो, दूसरे दिन ही मुझे खबर आई कि वीना आंटी और अंकल, मतलब उनमें बहुत फर्क आ, और प्रोग्रेस कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, शुक्राना गुरु जी महाराज, अश्विनी भैया ने और सारी संगत ने, डोलमा सरीन ने, कविता भी जानटी ने, सुप्रीम पावर में, जन्नत द्वार में, सब जगह गुरु की रहमत पे, पर हम सारी संगत का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने वीना आंटी के लिए और उनके अंकल के लिए, उनकी फैमिली के लिए इतनी अरदासें डाली। मैं नहीं कहती कि मेरी कोई अरदास कबूल हुई, मैं पर इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने जिन्हें भी अरदास कबूल की थी उसने शुक्राना, मेरी पैन मैनू लौटा, बहुत प्यार। इसलिए नहीं कि वो मुझे कुछ देती है, इसलिए कि वो गुरु जी की बहुत प्यारी रूह है और उन्होंने मुझे वाणी से जोड़ा है। मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार करूंगी और शुक्राना करती रहूंगी। गुरु जी की रहमतों की बात करूं ना, मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी है। सबसे बड़ी रहमत मेरे पापा, He is 94 years old. आज भी मिलकर आई हैं गुरु जी, मैं ना नोट्स बना रही थी, ये बोलूंगी ये बोलूंगी, ये सब पढ़े हैं, मैं नहीं देख रही, पर मेरे पास आज टाइम नहीं था, मैं बाहर गई हुई थी और मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं 5-6 दिन से नहीं मिली उनसे, तो मैंने बेटे से कहा 1 घंटे में जाएंगे आएंगे, पापा से मिलकर आएंगे, और मैं उसी में थी, हम जाम में भी फंस गए, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, जो बोल रहे हैं गुरु जी की रहमत, गुरु जी जो बुलवा रहे, मेरी कोई औकात। मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग, गुरु जी ने जो मुझे ब्लेस किया, मेरे पापा हैं 94 इयर्स ओल्ड, हमने उन्हें सबसे बचाकर छुपा के रखा, कोविड से भी छुपा कर रखा, हम उन्हें निकलने नहीं दे रहे। पिछले 2 महीने में बहुत बीमार रही, तृप्ता आंटी, रेखा आंटी, वीना आंटी, आप सब ने देखा होगा, यहाँ ये सब जानते हैं। मैं 2 महीने, मेरे पापा कह रहे थे मैं मिलने आऊं, वो तड़प रहे थे, मैं नहीं चाहती थी, मुझे जरा सा भी जो इन्फेक्शन है ना, चाहे वो कफ वाला भी है, उन तक पहुंचे ना, मैंने अपने भाइयों को आने दिया, गुरु जी की रहमत, मैं फिर तंदुरुस्ती हूँ, उन्हीं की ब्लेसिंग है, मैं सांसें आ रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, गुरु की रहमतें बहुत है, बहुत सारे, मैंने बहुत टाइम ले रही हूँ आप लोगों का, पर मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग। मैं पता क्या है, मैं नहीं, गुरु जी शुक्र, सॉरी सॉरी संगत जी, मैंने पहले कहा, मैं बेबी 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 स्टेप ले रही हूँ, जैसे बच्चा चलता है ना, लड़खड़ा कर गिर जाता है और फिर उठने का प्रयास करता है, मैं भी वही हूँ,
मैं छोटे छोटे कदम पढ़कर गुरु जी के पास पहुंचती, और गुरु जी में गुरु जी भी मुझे छोटी बड़ी अपनी हर रहमतों से मुझे नवाज रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी हर रहमत का, हर मुश्किल का, मैं उन मुश्किलों का भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जिन मुश्किलों के आने के बाद मैं मतलब कि गुरु जी से जुड़ी, चाहे वो कोविड था चाहे कुछ भी था, पर मैं गुरु जी से जुड़ी रही, मैंने गुरु जी से को नहीं छोड़ा, इसलिए क्योंकि गुरु जी ने मेरी बांह कस के पकड़ रखी है। बस मुझे यही भरोसा चाहिए कि गुरु जी ने मेरी बांह कस के पकड़ रखी है और मैं ये मुझे कभी नहीं छोड़े, मेरा यही भरोसा है गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, मैं बहुत प्यार करती हूँ और हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी का। मुश्किल हालात हैं पर यही खींच खींच कर लाएंगे, बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। मेरा बच्चा इसी 2 महीने पहले वकील बना है, इन्होंने ही बनाया है, यही अच्छा अच्छा जो उसके नसीब में है यही दिलाएंगे, क्योंकि सब कुछ पहले निर्धारित होता है, चाहे वो शादी चाहे रिजल्ट चाहे कहाँ बच्चे ने खाना है। मेरे घर में जब राशन आता है ना, मुझे पता होता है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं आया, ये संगतों में से ही पता नहीं किस किस का निवाला आया है, गुरु जी ने लेकर आए, गुरु जी ने अगर ये राशन भेजा ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये संगतों के लिए भी। मेरे घर कोई भी इस घर में गुरु जी के इस घर में कोई भी आए वो गुरु जी की संगत है, मेरे लिए शर्मा। मैं कोशिश करती हूँ प्रयास करती हूँ अपने छोटे 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 कदमों से चलकर कि मेरे से कोई भूल ना हो जाए, कोई मेरे से कुछ कमी ना रह जाए, मेरे से कोई गलत शब्द ना निकल जाए जिससे मेरे गुरु रूठ जाए मुझसे, गुरु जी कुछ भी हो जाए मुझसे रूठना नहीं, मुझे इसी तरह से अपनी रहमतों से नवाजते रहना और वाणी से जोड़े रखना। हम सबकी यही अरदास है। और संगत जी मैं आप सब से भी यही कहती हूँ, गुरु जी के वचनों को मानो, असल में गुरु जी को जब हम वचनों को मानते हैं ना तो हम गुरु को सच्चे मन से गुरु को धारण करती है और गुरु से प्यार करती है। मैं वादा नहीं कर रही ना मैं दावा कर रही, मैं कह रही हूँ मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं आई विल ट्राई कि उसे पढ़ू जानू समझू अपने अंदर उतार। गुरप्रीत आंटी हमें सुखमनी पाठ पूरा कराया, उस वाणी को पढ़ना सिखाया, उसके भावार्थ समझाए, उसे जपना सिखाया और जपाना सिखाया। शुक्राना गुरप्रीत आंटी आप। और तृप्ता आंटी वो मेरी माँ है, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, और मेरा और उनका सफर भी ज्यादा लंबा नहीं, कुछ ही महीनों का। गुरु जी ने पहले तो मीडिया से सबको हटा ही रखा था, और जब कोविड आया तो गुरु जी ने मीडिया ही मना दिया माध्यम हम सबको जोड़ने के लिए। तभी मैं जुड़ी तृप्ता आंटी से, वो मेरी माँ है, मैं उसे पर्सनली कभी नहीं मिली उनसे, पर जब वो बोलती है ना मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरु जी का कोई मैसेज मेरे लिए, और उनसे उनके मुख से निकला हुआ हर शब्द मेरे लिए मैसेज होता। रेखा आंटी शी इज वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन प्योर सोल, बहुत प्यार, इतनी वाणी से जुड़ी हुई, इतनी मिठास, इतनी केयर, इतनी गुरु के अंदर रमी हुई, इन सब की चरणों की जरा सी भी नाखून की नोक जैसी भी कुछ
मैं बन जाऊं ना, और नाखून की नोक नहीं, नाखून में फंसी हुई मिट्टी क्यों सी होती ना, मैं उस बराबर भी कुछ मिल जाए ना मुझे इनसे, तो अपने को धन्य सब। बहुत सारे एक्सपीरियंस है संगत जी। अभी पीछे हम लास्ट वीक ही उत्तरांचल में थे जब इतना बड़ा तूफान वहां आया, और गुरु जी ने बहुत मेहर करी, बहुत मेहर करी। वहां अश्विनी भैया और शीतल भाभी के बेटे की शादी थी, मैं, मेरा पूरा परिवार और उनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और पूरी फैमिली गई हुई थी। बहुत तूफान आया, हम सब इतनी मुश्किल में फंसे हुए थे कि जहां हमारी मतलब कि सेरेमनी हो रही थी वहां कमर से भी ऊपर ऊपर तक पानी आ गया था, और हमारे साथ वाला जो रिसॉर्ट था वो तो 2-3 किलोमीटर दूर पूरा डैमेज हो गया। हेलीकॉप्टर आए वहां से, हेलीपैड मंगाना पड़ा वहां से रेस्क्यू कराने के लिए, पर गुरुजी महाराज जी की बहुत मेहर रही, हम सब जो यहाँ से गए हुए थे सेफली लौट कर आए, और जो रस्में हुई वो भी बहुत अच्छी हुई है। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है, उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। वो दोनों भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज की ऐसी रूहों से मुझे मिलवाया, और ये नगीने हैं जो गुरु जी ने मुझे दिए, जो मुझे आगे की जिंदगी के लिए, और शायद जो मेरा ये सफर अंतिम लास्ट जो जर्नी की तरफ मेरा जा रहा है, ये जो जर्नी है अब मेरी, नाउ आई एम ए 56 इयर्स ओल्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी रूहें मेरे साथ है जिनके साथ मैं ये सफर करूंगी, और मैं वाणी से जुड़ी रहूंगी गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इसी तरह से अपनी मेहर बनाए रखना। और संगत जी मेरे से कोई भूल कोई कष्ट मतलब कि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरु जी आप भी। मेरे पास और भी बहुत सारे सत्संग हैं पर मैं अनदर डे शेयर करूंगी, आज गुरु जी का हुक्म इतना ही है, तो मैं आप सबसे आजादी चाहूंगी, इजाजत चाहूंगी, और साथ ही ये कहूंगी मुझे सुनने के लिए शुक्राना।